बांदा में बालू की खदानें शुरू होते ही माफियाओं ने रास्ता बनाने को लेकर किसानों को सताना शुरू कर दिया है और स्थानीय प्रशासन है कि किसानों की गुहार सुनने को तैयार ही नहीं है। वहीं माफियाओं से पीड़ित एक दर्जन किसान आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे व ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि बांदा जनपद में एक दर्जन से ज्यादा बालू की खदानें हैं जिस पर रात दिन खनन जारी रहता है। बरसात के चलते खदानें 3 महीने तक बंद थी और अब बरसात के मौसम की समाप्ति होते ही खदानें पुनः शुरू हो चुकी हैं। बालू खदानें शुरू होते ही ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। खनन माफिया किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रास्ता बना लेते हैं और किसान इसका विरोध करने पर खनन माफियाओं की दादागिरी का शिकार बन जाते हैं। आज बांदा के क्लेटन में खतिया कला कस्बे के एक दर्जन किसान पहुंचे व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि खतिया गांव में बालू खदान शुरू हो रही है जिसको लेकर खदान संचालक रास्ता बनाने के लिए जबरन किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और फसल नष्ट कर रहे हैं। यदि शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि हम सभी किसान मिलकर आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। सर, हमारे यहाँ केन नदी के किनारे मोरम खदान के पट्टे हुए हैं जो कि सभी किसान भाइयों के उससे लगे हुए सबके भूमधरी नंबर हैं जो कि ठेकेदारों द्वारा जो नाप करवाई गई है तो बिना ही किसान के उपस्थित के उन्होंने नाप करवाई है जिससे कि किसानों के रकबे सब कम हो रहे हैं और बोई हुई फसल पर जेसीबी से घुमा घुमा करके पिलर खड़े किए गए जिससे उनका जो फसल का बहुत नुकसान हुआ है। तो हम किसान भाई बहुत परेशान हैं और हमने काफ़ी परेशान होकर के देखो एसडीएम साहब को भी दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और थाना और चौकी भी गए मगर कोई जानकारी और कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। आज हम डीएम साहब के यहाँ आए हैं और अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती तो हम धरना पर सभी लोग तैयार हैं, धरना धरेंगे और आमरण अनशन के लिए भी सभी लोग तैयार हैं मगर हमारा जो भी सही वो है सलूशन इसका निकाला जाए और सभी किसान भाइयों के हित में हो।